नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, पिछले साल 15 सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण स्टार्ट किए गए थे। पहले ये प्रशिक्षण MT को करने थे, लेकिन उसके बाद इसकी डेट बढ़ाई गई और अब नए आदेश के अनुसार ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को करने हैं। इन प्रशिक्षण को पूरा करने की अंतिम तिथि 31/12/2021 निर्धारित की गई है। आज की इस वीडियो में हम प्रशिक्षण नंबर 1 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के भाग 5 स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक की आकलन प्रश्नोत्तरी लेंगे। इससे पहले भाग 1, 2, 3 व 4 की वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चारों वीडियो के लिंक डाल दिए हैं, उन पे क्लिक करके आप पहले भाग 1, 2, 3, 4 को पूरा कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो की मदद से आप भाग 5 को पूरा कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रशिक्षण नंबर 1 स्वास्थ्य और स्वच्छता। प्रशिक्षण नंबर 1 स्वास्थ्य और स्वच्छता को शुरू करने के लिए इस प्रशिक्षण का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक को टच करके दीक्षा ऐप पर इस प्रशिक्षण को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद आप जैसे इसके भाग नंबर 5 पर पहुंचेंगे, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें सबसे लास्ट में प्रश्नोत्तरी दी गई है। आपको सभी डॉक्यूमेंट ध्यान से देखने हैं, सभी वीडियो ध्यान से देखनी है। उसके बाद सबसे लास्ट में इसके असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाएगी। देखिए, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला प्रश्न है सही मिलान कीजिए। एक तरफ आपको दिए हैं पोषण, शारीरिक मुद्रा, जल प्रदूषण, मादक पदार्थ, योगासन, और दूसरी तरफ दिया हुआ है मुंह का कैंसर, पीलिया, ताड़ासन, 1 फुट की दूरी पर रखें और संतुलित आहार। तो सबसे पहले पोषण में हमें मिलाना होगा संतुलित आहार। आप संतुलित आहार पे टच करेंगे और इसको ड्रैग करके प्रेस करेंगे, उसके बाद ड्रैग करके संतुलित आहार पर ले जाएंगे। उसके बाद दूसरा आता है शारीरिक मुद्रा। तो शारीरिक मुद्रा में 1 फुट की दूरी पर रखें, इसको ड्रैग करके शारीरिक मुद्रा के सामने उठाकर इसको ले जाएंगे। उसके बाद जल प्रदूषण आता है। तो जल प्रदूषण में पीलिया को शारीरिक मुद्रा में गलत हो गया है, 1 फुट की दूरी पर इसको करेंगे हम, 1 फुट की दूरी पर रखें। उसके बाद जल प्रदूषण में पीलिया को उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद मादक पदार्थ में मुंह का कैंसर हो जाएगा, अगर आपका सही आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपका ताड़ासन हो जाएगा। इस तरह से ये आपका सही मिलान हो जाएगा। उसके बाद एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, सत्य असत्य कथन छांटिए। नियमित व्यायाम प्रशिक्षण प्रणाली को घटा देती है। तो ये आपका असत्य है, यहां पर आपको असत्य लिखना है, ध्यान रखना है, आपको केवल हिंदी में ही लिखना है असत्य। मैंने यहां पर असत्य लिख दिया है। अगर आपने हिंदी का कीबोर्ड डाउनलोड नहीं किया है तो पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको हिंदी में लिखना होगा। यहां पर मैंने असत्य लिख दिया। उसके बाद एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। दूसरा है सत्य असत्य कथन बताइए, खेलों से मानसिक तनाव दूर होता है। बिल्कुल सत्य है, यहां पर आपको सत्य लिखना है, सत्य है। उसके बाद एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। फिर आपके सामने है सत्य असत्य कथन बताइए, महंगे पदार्थों के सेवन से ही उचित पोषण मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि महंगे पदार्थों के सेवन से ही उचित पोषण मिलेगा, तो ये हमारा असत्य है, यहां हम असत्य लिखेंगे। इस तरह से हम यहां पे असत्य लिख देंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सत्य असत्य कथन बताइए, स्वस्थ दिनचर्या से स्व अनुशासन की भावना विकसित होती है। बिल्कुल सही है, तो इसमें हम सत्य लिखेंगे, यहां पर हम सत्य लिख देंगे और एरो के निशान से फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ वातावरणीय स्वच्छता भी आवश्यक है। इसमें भी आप सत्य लिखेंगे, यहां पर हम सत्य लिख देंगे। उसके बाद फिर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू हो जाएंगे।
वातावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत आता है सड़क व नाली की सफाई, प्रतिदिन स्नान, नाखून काटना, बाल काटना। तो प्रतिदिन स्नान, नाखून काटना और बाल काटना ये हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। वातावरणीय स्वच्छता के अंतर्गत सड़क और नाली की सफाई आएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों की जानकारी होनी चाहिए बच्चों को, बिल्कुल होनी चाहिए, शिक्षकों को ये भी होनी चाहिए, अभिभावकों को भी होनी चाहिए। तो इसमें हम उपरोक्त सभी पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है, अस्वच्छता से होने वाले रोग, हैजा, पीलिया, मलेरिया, उपरोक्त सभी। तो सभी रोग जो है अस्वच्छता से होते हैं, तो इसमें उपरोक्त सभी पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मादक पदार्थ के सेवन से होती है शारीरिक हानि, मानसिक हानि, आर्थिक हानि, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी हम उपरोक्त सभी पर क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फेफड़ों में संक्रमण किस प्रदूषण से होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो जो फेफड़ों में संक्रमण होता है वो वायु प्रदूषण से होगा, इसमें हम वायु प्रदूषण पे क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नियमित व्यायाम करने से शरीर कमजोर हो जाता है, मानसिक तनाव हो जाता है, हड्डियों के जोड़ सक्रिय हो जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसमें हड्डियों के जोड़ सक्रिय हो जाते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं शारीरिक मुद्रा, खेल, दिनचर्या, उपरोक्त सभी। तो इसमें हम उपरोक्त सभी पे क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, समग्र स्वास्थ्य के अंतर्गत सम्मिलित है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी पे हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार के लिए पोषक तत्व है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, उपरोक्त सभी। तो संतुलित आहार के अंतर्गत सभी आते हैं, तो इसमें हम उपरोक्त सभी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ विद्यालय, स्वच्छ विद्यालय और स्वच्छ शरीर। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो इसमें स्वस्थ शरीर पर हम क्लिक करेंगे, एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। इस तरह से टोटल इसमें क्वेश्चन 16 थे, हमने क्वेश्चन आंसर भी 16 किए, क्वेश्चन स्किप्ड 0 हुए। अब हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा स्कोर 16 out of 16 हो जाएगा। उसके बाद हम पार्ट नंबर 6 पर पहुंचेंगे। पार्ट नंबर 6 है हमारा स्वस्थ और स्वच्छता में विद्यालय में समुदाय की भूमिका। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। इससे पहले की सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उन पे क्लिक करके आप पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।